हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जी, ये था डे टू हमारे घर की सफाई का। और मैं सोचा था कि जो है ना, मैं आज के दिन ही काम ख़त्म कर लूँ, लेकिन कभी कभार होता है ना, इंसान जैसा प्लान करता है वैसा एग्जीक्यूट नहीं होता, जो भी दिमाग में होता है वैसा सब नहीं हो पाता। तो खैर, कोई मसला नहीं, दुनिया में आए ये सब तो चलता ही रहता है। खैर जी, फिर मैं सुबह उठ के सबसे पहले गई थी गाय बकरे देखने। मैंने कहा देख लेती हूँ, उसके बाद अगर घर के कामों में मैं घुस गई ना एक बारी तो फिर निकल नहीं सकती। खैर जी, फिर जो है गाय बकरे देख लिए, उसके बाद आके नाश्ता वाश्ता कर लिया, फिर फ्रिज की सफाई करनी थी। फ्रिज जो है ना, वो फिर भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जो डिफ्रीज़र होते हैं ना, ये मुझसे साफ़ नहीं होते, तो ये मेरी अम्मा का ही डिपार्टमेंट है। खैर जी, फिर जो है मैं आ गई थी अपने रूम में और मैं यहाँ की सफाई कर रही थी। तो ये जो बुक्स है, मैंने अपने फर्स्ट ईयर के टाइम पे ऑर्डर की थी, ईट दुकान डॉट बस नाम का एक पेज था, उससे मैंने ऑर्डर की थी। और जो है ना, ये बहुत अच्छी बुक्स निकली। मतलब इनका ना पेपर वाइट वाले, अक्सर पता नहीं आजकल मैं देखती हूँ कैसी बुक्स आ रही होती हैं, अजीब सा उनका पेपर होता है, लिखने में मज़ा भी नहीं आता। खैर जी, फिर मैंने ले लिया था एक अपना नूडल ब्रेक। पता नहीं आप लोग आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, पता नहीं किसका बच्चा रो रहा है। एक तो बिल्डिंग में रहने का ना यही मसला है, किसी का बच्चा रो रहा होता है, किसी का क्या हो रहा होता है, कोई गाड़ी लेके जा रहा होता है, कोई बाइक लेके जा रहा होता है। खैर जी, ज़िंदगी में बहुत मसले मसाइल हैं। उसके बाद जी, मैं आ गई थी यहाँ दवाइयों वाला डब्बा, हर देसी घराने में होता है, हर देसी घराने में। तो ये सेट करना था, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, ये मेरी ब्लॉग मुझे लग रहा है आज रोने धोने में ही निकलेगी। उसके बाद जी, ये जो है ना, हमने रात का खाना खा लिया था, और हमें मतलब कहने को कोई भी काम नहीं। आप वीडियो में देखो, बोलेगा 3 मिनट की वीडियो में उसने क्या ही काम कर लिया है, लेकिन हमें पता है हमने क्या किया है। फिर जी, हो गया था डे 3, और मेरी अम्मा जो हैं वो फ्रीज़र साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये वाला जो फ्रीज़र है बड़ा वाला, इसमें मुझे समझ ही नहीं आता, हर मसाला, हर पता नहीं क्या दवाई, सब्ज़ियाँ, मसाले शसाले सब इसी में होते हैं। तो मैंने कहा अम्मा, ये आपका डिपार्टमेंट है, क्योंकि अगर मैं सफाई करूँगी ना, तो मैं तो सभी उठा के फेंक दूँगी, मुझे समझ ही नहीं लगती क्या रखना है क्या नहीं रखना। मेरी अम्मा हर चीज़, रोज़ वाटर, पता नहीं एलोवेरा का ऑयल, पता नहीं क्या क्या बना के रखती, कहती तुमने इस्तेमाल करना है, लेकिन जो है ना, मैं और इंदलना कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। खैर जी, फिर मैं आ गई थी अब्बू के रूम में, यहाँ की सफ़ाई वगैरह कर रही थी। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर 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 बताना है कि आप लोगों ने घर की सफाइयाँ किस तरीके से की, क्योंकि हर देसी घराने में यही हाल होती है। मेहमानों को नहीं पता होता कि हमने जो है ना कारपेट पे पोछा मारा है नहीं मारा, या हमने जो है ना दीवारें साफ़ की है नहीं की, बस ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। खैर जी, फिर हम आ गए थे किचन में, और जो है ना यहाँ की सफाई हो रही थी। मैं ये सोची थी यार, मेहमान आके कुछ छत पे थोड़ी देखे गए यार। खैर जी, इसी से अपना व्लॉग एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।